अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इसराइल में एक तारीख साज प्रोटेस्ट चल रहा है और सारी अवाम उनकी सड़कों पर आ गई, क्योंकि अवाम के ख्याल में हुकूमत डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है और इसकी वजह बना है एक बिल, जिस बिल के तहत उनकी कोशिश है Turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets tonight. In unprecedented events, the country's biggest trade union called a strike. The country's political turmoil rapidly deepening. Those protesting say that this is escalating into an existential. इस प्रोटेस्ट के लिए उनके फौजी जवानों ने ट्रेनिंग छोड़ दी है, फाइटर पायलट्स ने अपनी ड्यूटी छोड़कर आवाम के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, पुलिस वाले ड्यूटी छोड़कर प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं, उनकी इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स ने जहाज उड़ाने से इनकार कर दिया है, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जब अपनी वाइफ के साथ इटली के दौरे पर जाना था तो सरकारी एयरलाइन के पास एक भी ऐसा पायलट नहीं था जो कि उनके लिए ये खिदमत सर अंजाम दे, इस वजह से उन्हें एक प्राइवेट पायलट को हायर करना पड़ा और जब वहां पहुंचे अपनी बेगम के साथ तो वहां मौजूद जो यहूदी ट्रांसलेटर था उसने साहब की गुफ्तगू को ट्रांसलेट करने से इनकार कर दिया। इस सारे प्रोटेस्ट का ओरिजिन क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इससे हम पाकिस्तानियों को क्या सबक मिलता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इस सारे मामले का आगाज होता है 11 जनवरी 2023 को मिनिस्टर यैरिन लेविन ने एक बिल टेबल किया जिसे उन्होंने जुडिशियल ओवरहॉल का नाम दिया, जैसे हमारे पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स का नाम दिया जाता है बिल के लिए। लेकिन उस पर जाने से पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक को सेनेट कहा जाता है, एक को कौमी असेंबली कहा जाता है, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, और इसी वजह से हमारे डेमोक्रेटिक मॉडल को बायकैमरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, मगर इसराइल में उनके डेमोक्रेटिक मॉडल में सिर्फ एक ही पार्लियामेंट हाउस है जिसमें कुल नशिस्तों की तादाद 120 है और इसी वजह से उनको यूनिकैमरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी सिंपल मेजोरिटी 61 सीटें जिसके पास भी होंगी वो जमात हुकूमत बना सकती है। लेकिन इसराइल की तारीख में आज तक कभी ऐसी कोई एक जमात नहीं आई जिसने के 61 से ज्यादा सीटें वहां विन की हो और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सकी हो, वहां हमेशा से कोलेशन गवर्नमेंट सी बनती हैं और इस बार मरतबा भी वहां कोलेशन हुकूमत मौजूद है जिसकी सरबराही है बेंजामिन नेतन्याहू के पास, और लेविन भी वजीर आजम की पार्टी से है जो कि मिनिस्टर फॉर जस्टिस है, जिसने ये बिल टेबल किया तो उसके बाद ये सारे प्रोटेस्ट का आगाज हुआ। दूसरा इसमें इशू ये इन्वॉल्व है कि इसराइल का इस वक्त कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। जी हाँ, उनका पूरा मुल्क का निजाम चल रहा है 13 बेसिक लॉज पर जो कि उनकी सरकारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। असल में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये था कि पहले ये बेसिक लॉ बनाए जाएंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बेस पर बनाया जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना ही नहीं और उनकी हुकूमत सिर्फ उन 13 बेसिक लॉज पर चल रही है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पर खड़ी होती है जिनमें से एक एग्जेक्टिव है, दूसरी लेजिस्लेटर, तीसरी जुडिशरी और चौथा मीडिया। अब क्योंकि यूनिकैमरल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसराइल में एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर तो पहले ही सेम है और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, तो इस वजह से उनका पहले से ही जमहूरी निजाम थोड़ा सा कमजोर है और दूसरा उनका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से भी उनकी हुकूमत के पास एक एक्सेसिव पावर आ जाती है। अब सिर्फ उसमें एक रोशनी की उम्मीद की किरण उनके नजदीक उनकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की, जिसके ऊपर ये बिल लाकर उसको भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई जिसके खिलाफ अवाम प्रोटेस्ट के लिए निकले। अब वो बिल क्या था, उसके तीन अहम नुक्ते थे। नंबर वन के कनेसेट, जैसे हम अपनी पार्लियामेंट कहते हैं, कौमी असेंबली कहते हैं या सेनेट कहते हैं, इसी तरह से जो इसराइल का पार्लियामेंट हाउस है उसको कनेसेट कहा जाता है, और जिस तरह से हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंटेरियंस का कहते हैं या उन्हें एमएनए कहते हैं यानी मेंबर नेशनल असेंबली, इसी तरह से इसराइली पार्लियामेंटेरियंस को एमके कहा जाता है। बिल का पहला पॉइंट यह था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी पार्लियामेंट के पास वीटो इख्तियार होगा और सिंपल मेजोरिटी के साथ 61 वोट के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला ओवरटर्न कर सकती है, खत्म कर सकती है।
दूसरा इसमें मैटर था जजेस की अपॉइंटमेंट का। इस वक्त इसराइल में 9 मेंबर इलेक्शन कमेटी होती है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट करती है, जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी भी मौजूद है, जजेस की नुमाइंदगी भी मौजूद है। लेकिन इस बिल के तहत अब वो 9 की बजाय उनकी तादाद कर दी गई 11 में से 3 तो हुकूमती मिनिस्टर होंगे, जिनमें से एक होगा जस्टिस मिनिस्टर। उसके अलावा 3 MKs होंगे, जिनमें से 2 हुकूमत से होंगे और 1 ऑपोजिशन का नुमाइंदा होगा। और इसके अलावा 2 वहां पे सिविल सोसाइटी से लोग होंगे जिन्हें के सेलेक्ट करेगा जस्टिस मिनिस्टर। इस तरह से 11 में से 3, 2 और 2, 7 मेंबर्स हुकूमत के पास चले जाएंगे, जिसके पास ये इख्तियार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ना सिर्फ इनको सेलेक्ट करेंगे बल्कि इसके अलावा तमाम जजेस जो नीचे से भी अपॉइंट होकर आएंगे उन सब की अपॉइंटमेंट भी यही कमेटी करेगी। और इस बिल से आपको पता चल रहा है कि किस कदर हुकूमत की इंटेंशन है जुडिशरी को कंट्रोल करने की, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करने की। लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि तीसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो ये है कि जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार हुकूमत के किसी भी एक्ट के खिलाफ उनकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी हमारी तरह जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है और वो उस फैसले को खत्म कर सकती है। लेकिन अब इस मौजूदा कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, जिसकी तादाद 15 जजेस है, जब तक कि वो 15 के 15 जजेस किसी कानून को खत्म नहीं करेंगे तो वो कानून खत्म नहीं हो सकता। यानी अगर 15 में से कोई एक भी जज अवेलेबल नहीं है या एक भी जज को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसके बाद गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अगर 15 के 15 जजेस को ये फैसला दे भी देते हैं तब भी हुकूमत के पास पावर्स होंगी कि वो कनेसेट में जाके पहले वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उस फैसले को वीटो कर दें और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद कुछ नहीं कर सकेगी। शुरू में जैसा कि आपको बताया था कि ये सिलसिला शुरू हुआ था 11 जनवरी 2023 को, उससे एक हफ्ता पहले लेविन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बुध के दिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उसने कहा कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग लगी हुई थी हुकूमत के एक वजीर के खिलाफ, जिसकी नाअहली का फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसीलिए इस बिल को तैयार किया गया और फौरी तौर पर कनेसेट में पेश कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके मिनिस्टर आर्या डेरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आर्या डेरी वो शख्स है जिस पर पहली दफा 1993 में इल्जाम लगा करप्शन का, ब्राइबरी का, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वजीर आजम को ऑर्डर किया कि इसको अपनी काबीना से निकाल दे, डिस्क्वालीफाई कर दे। उस वक्त आर्या डेरी को निकाल दिया गया काबीना से। उसके बाद इसको सजा हुई 3 साल की जो कि 22 महीने में खत्म हो गई उसके गुड कंडक्ट की वजह से। देन लेटर ऑन ये 2000 में ये दोबारा कन्विक्ट हुआ, दोबारा इसको 3 साल की सजा हुई ब्राइबरी के इल्जाम में। फिर 2011 में ये दोबारा इलेक्शन में आया और 11 में फिर ये इलेक्शन जीता, फिर ये मिनिस्टर बना और उसके बाद फिर इसको टैक्स एवेजन का इल्जाम लगा। और वो इल्जाम अभी इसके ऊपर चल रहा था कि 2022 में इसने दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया नवंबर में, जबकि जनवरी में इसके ऊपर केस फाइल हुआ और नवंबर में इसने दोबारा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इसकी पार्टी ने 11 सीटें जीती और ये हुकूमत का हिस्सा बन गया। इस वक्त उसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री के कलमदान मौजूद हैं, उसको बचाने के लिए ये सारी प्रैक्टिस की गई। जैसे ही अवाम को पता चला, अवाम सड़कों पर आ गई और 23 मार्च को ये प्रोटेस्ट अपने पीक पर था, जिस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है कि 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में शरीक थे और तमाम सड़कों पर मौजूद थे। अब इसराइल की टोटल आबादी 90 लाख है, उसमें से 6.5 लाख लोग उस दिन प्रोटेस्ट में शरीक थे, यानी 7 से 8%। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग करोड़ों में बनते हैं। इस बिल के ऊपर इसराइल के गुज़िश्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट करते हुए कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये एक जमहूरी डिक्टेटरशिप की आवाज होगी इसराइल में। इसके अलावा उनके पुराना प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसे पॉइजन बिल कहा कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक जहर कातल साबित होगा अगर ये बिल पास हो जाता है। इसके अलावा उनके अपनी हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर ने वजीर आजम से रिक्वेस्ट की कि आवाम की बात को सुना जाए और इस बिल को विड्रॉ कर लिया जाए, और इसके नतीजे में उसने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट और ज्यादा शदीद हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान में भी मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, लतीफ कोसा और एतजाज अहसन जो कि हुकूमत का हिस्सा होते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत उनकी बात पर कान धरने की बजाय उन्हें फारिग कर रही है। आर्या डेरी को तो
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2023 को फारिग कर दिया, तो लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत में बहुत सारे कन्विक्टेड और क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं जिन्हें ये खतरा था कि कल को यही एक्शन उनके खिलाफ भी हो सकता है जो कि बेस बना इस बिल को टेबल करने के लिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट को देखते हुए बिल आकर 28 मार्च को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना विथड्रॉ कर लिया और पास कर दिया इस बिल को कि फिलहाल हम इसे पास कर रहे हैं और इसको हम अप्रूव नहीं कर रहे। लेकिन अवाम इसके बावजूद रजामंद नहीं है और प्रोटेस्ट जारी रखे हुए है क्योंकि वो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। इसराइल के सदर के पास भी हमारे सदर के साथ एक सर्वमंगल पोस्ट होती है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते और उसने भी प्रोटेस्टर्स का साथ दिया है। और इस इसराइल के इंटरनल मैटर के साथ हमारे पाकिस्तानियों की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है और हमारे लिए ये किस तरह से रेलिवेंट है ये समझाने के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये इसराइल कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहां उनकी डेमोक्रेसी पर हमला हुआ है। और याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि उसके चारों पिलर इंडिपेंडेंट हों और स्ट्रॉन्ग हों। अगर किसी भी एक पिलर के पास ज्यादा पावर्स जाती हैं या एक पिलर दूसरे पिलर के खिलाफ मुनज्जम मुहिम चलाता है तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश इसराइल से पहले हंगरी में, ब्राजील में, तुर्की में और फिलिपाइन में हो चुकी है। लेकिन तमाम मुल्कों में गयूर अवाम मौजूद थे जो कि अपनी हुकूमतों के सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के वकार को बहाल किया। और अब हमारे लिए ये मौका है साबित करने का अपने आप को कि हम इसराइल की कौम से ज्यादा बाजुर, ज्यादा काबिल और ज्यादा बाहिम्मत लोग हैं और हम अपनी जुडिशरी का तहफ्फुज़ करना उनसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं। अगले व्लॉग तक इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।